विदिशा कोतवाली थाना क्षेत्र के ढलकपुरा में पंजाबी समाज के युवक और किशोरी का विवाह होने की सूचना चाइल्ड लाइन और महिला एवं बाल विकास विभाग को दी गई। मौके पर पुलिस के साथ अधिकारियों ने पहुंचकर विवाह को रुकवाया। चाइल्ड लाइन की ओर से प्रभारी दीपक शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग से अनुज जैन और कोतवाली पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और विवाह को रुकवाया गया। तमाम दस्तावेज किशोरी से मांगे गए, लेकिन परिजन बालिक होने का कोई भी दस्तावेज नहीं दे पाए। बाद में परिवार ने चाइल्ड लाइन और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की समझाइश के बाद विवाह न करने की सहमति जताई। हालांकि इसके बाद चाइल्ड लाइन के सदस्य किशोरी को बाल समिति के सामने प्रस्तुत करने ले गए और विवाह फिलहाल रुकवा दिया गया। ये कौन सी जगह है, किस प्रकार की कार्यवाही रोकने आए हैं? सर, अभी हमारे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर एक बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें बालक एवं बालिका दोनों नाबालिग हैं और पता चला है कि बालक एवं बालिका रिश्ते में मामा भांजी लगते हैं और दोनों की शादी विदिशा में ढलकपुरा में हो रही थी। तब हमारे द्वारा तुरंत ही चाइल्ड लाइन टीम के द्वारा एक्शन लिया गया एवं महिला बाल विकास से एवं कोतवाली थाने से टीम के द्वारा टीम बनाई गई एवं विवाह स्थल पर पहुंचे। यहां पे पहुंचते ही पता चला कि घर में बाल विवाह का कार्यक्रम हो रहा था, तभी हमारी टीम के द्वारा बालक एवं बालिका के दस्तावेजों की जांच की गई है, जिसमें बालिका की उम्र 15 साल बताई गई है। तभी हमारी बाल कल्याण समिति में बालिका को प्रेजेंट करके जैसे आगे की कार्रवाई बाल कल्याण समिति करेगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।